हेलो एवरीवन, ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने शुरू किया है टॉपिक कंप्यूटर बेसिक्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने अपना लेक्चर शुरू किया है। पहले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बारे में उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी बैकग्राउंड के बारे में हमने देखा, उसकी जनरेशंस के बारे में हमने देखा। देन हमने जो है इसके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इसकी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जो है थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज हम इसका पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता क्या है। जब हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद वहाँ जो है ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर के अंदर वहाँ काम हो रहा होता है, जिसको हम देखते हैं कि कुछ काम हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, ऑन हो रहा है, आगे स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो जो काम होता है वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वो काम होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट लोड्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट ए कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ ए लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर ऑपरेटर। ये एक लिंक है किसके बीच में, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके बीच में ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक है। तो ये हमने याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से पाए जाते हैं आज। विंडोज़ हैं, जो मोस्ट पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। इसमें भी अलग अलग टाइप्स आती है, जैसे पुराना विंडोज़ विंडो 1 था, देन विंडो 2, देन विंडो 3, विंडो 95, विंडो 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000, विंडोज़ विस्टा, देन रिडॉक्स। तो विंडोज़ 98 जो है ये भी काफ़ी फेमस विंडोज़ है। तो ये अलग अलग टाइप्स की विंडोज़ है, ये हमने याद रखना। लीजा भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन लाइनक्स इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉक्स, जेनिक्स। तो ये तमाम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपको याद रखने वहाँ पूछा जा सकता है। तीन चार चीज़ें दी हुई होंगी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड लाइनक्स। इसमें से जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको क्लिक करना होगा लाइनक्स। तो ये आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका होता है उसके बाद डेस्कटॉप पर जो है बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। जब उनको हम ऑन करते हैं तो हम जिस एप्लीकेशन पर काम करना चाहिए हम उसको ऑन करते हैं। अगर हमने कुछ लिखना हो तो हम जो है MS Word ऑन करते हैं। अगर हमने कोई ऑफिशियल वर्क करना हो तो एक्सेल हम ऑन करते हैं। अगर हमने कुछ और प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, कोई लेक्चर वगैरह बनाना हो तो, या कुछ और जो है डेमोंस्ट्रेशंस वगैरह देनी हो तो उसके लिए जो हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो या कुछ फोटोशॉप वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह, तो इनमें जो है काम किए जाते हैं। तो ये जो है ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है उसके बाद जो है जिस सॉफ्टवेयर पर हमने काम करना होता है उनको हम ऑन करते हैं, तो उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें जो है टॉप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है MS Office। MS Office की जो आगे टाइप्स हैं, MS Office में क्या क्या आता है, MS Word आता है, MS Excel आता है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये तमाम जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टाइप्स हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताओ ये इसमें से कौन सी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टाइप है। तो ये जो है हमने ये जो 5-6 हैं ये हमको याद रखना है कि ये जो है ये तमाम, एक तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा ये सारे जो है MS Office का हिस्सा है। उसके बाद जो है फोटोशॉप, ग्राफिक्स एंड AutoCAD, ये भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन ये MS Office का हिस्सा नहीं है। देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ, ये MS Office का एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये स्प्रेड शीट होती है जिसके अंदर जो है हम ऑफिशियल वर्क करते हैं। इट इज़ बिल्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसको बिल्ड किया है और ये जो रिलीज हुई थी फर्स्ट टाइम 1987 में। इट इज़ ए स्प्रेड शीट। द बॉक्सेज ऑफ एक्सेल आर कॉल्ड सेल। तो ये जो एक्सेल में जो छोटे छोटे बॉक्सेज बने होते हैं जिनके अंदर हम लिखते हैं, इनको बोलते हैं सेल। देन फर्स्ट वर्जन वर्ड फॉर फर्स्ट, देन फर्स्ट वर्जन जो था ये हम मैं बाद में बताऊंगा, जो लास्ट वर्जन, लेटेस्ट जो वर्जन है ये आया है 2016 में। इट हैज़ 16,384 रोज एंड 256 कॉलम्स। ये हमको याद रखना है, एक तो किसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये 2016 में आया है। देन इसमें जो है 16,384 रोज हैं और इसमें जो है जो कॉलम्स हैं, कॉलम इसमें जो है 256 कॉलम्स हैं। ये हमको याद रखना है एक्सेल में। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आते हैं। इट वाज रिलीज्ड इन 1983
और ये जो टाइप है ये वर्ड प्रोसेसर है, डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट, और इसकी जो एक्सटेंशन रहती है जब भी हम इसको सेव करते हैं तो ये जो है इस फॉर्म में ऐड होता है, उसका नाम देकर .doc, इस हिसाब में ये जो है हमेशा सेव रहता है डॉक्यूमेंट। .doc इसकी जो एक्सटेंशन है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये 2016 आया है। देन इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क में आता है, एक आता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, वी आर इंडिविजुअल पीसीज आर कनेक्टेड टुगेदर विद इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक ही कंपनी के अंदर जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया जाता है, यानी एक कंप्यूटर में अगर हम कुछ लिखें तो दूसरे कमरे वाला जो कमरे में जाकर कोई कंप्यूटर हो उसके साथ कनेक्ट रहता है, तो हम उसमें भी जो वो सब देख सकते हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो सिर्फ विद इन द कंपनी और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क LAN। और WAN वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क इट अलाउज अस टू कनेक्ट अदर कंप्यूटर्स ओवर द वाइड एरिया दैट इज होल वर्ल्ड। इसमें जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट रहते हैं, जैसे इसमें इंटरनेट वगैरह भी आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। देन हम जो है कुछ MS Office से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज देखते हैं, इसमें से अक्सर पूछी जाती हैं कीज, शॉर्टकट कीज, जैसे यहाँ यानी अक्सर हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी करनी हो, कट करनी हो, पेस्ट करनी हो, तो ये जो है मोबाइलों में भी, एंड्रॉयड मोबाइल्स में भी ये सब चीज़ें आती हैं, आपको वो थोड़ा सा वहाँ से कंसेप्ट होगा, जिनको टोटली जो है कंप्यूटर के बारे में जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो मोबाइल पर कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस रहते हैं, आपको पता होगा कैसे होता है, या ओपन अगर कोई करना हो तो यहाँ जो है अक्सर जो है ये काम जो है कि वो ये माउस से किया जाता है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास माउस नहीं है तो हमने अगर जो है कोई भी चीज़ उसको कॉपी करना हो, अगर हमने कीबोर्ड का इस्तेमाल करना हो तो कीबोर्ड के इस्तेमाल से जो हमने कैसे करना है, तो उसके लिए जो ये शॉर्टकट कीज बताई गई हैं, कीबोर्ड में जो है शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम जो है वहाँ से काम कर सकते हैं। तो अगर कॉपी करना हो तो हमने जो है कीबोर्ड के अंदर एक बटन रहता है, एक कंट्रोल का और दूसरा जो है सी का बटन रहता है, इन दोनों को जो हमने इकट्ठा प्रेस करना है तो कोई भी जो है चीज़ कॉपी हो जाएगी, और अगर कट करनी हो तो कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट अगर करनी हो कंट्रोल प्लस वी, अगर किसी भी चीज़ को हमने ढूंढना होगा कि ये जो फाइल है हमारी कौन सी जगह पर है तो हमने जो है कंट्रोल प्लस एफ इकट्ठा प्रेस करना है, अगर कोई नया पेज हमने खोलना है कंट्रोल प्लस एन, ओपन अगर हमने करना है कोई पुरानी फाइल कंट्रोल प्लस ओ, प्रिंट अगर करना हो तो कंट्रोल प्लस पी, देन अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल को सेव करना है कंट्रोल प्लस एस, और अगर हमने पूरा जो हमने लिखा है, पूरा जो हमने काम किया, अगर इसको हमने हाईलाइट करना है, सारे को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर कुछ काम करना है तो कंट्रोल प्लस ए। ये शॉर्टकट कीज हमको याद रखनी, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। देन अंडू, अंडू कंट्रोल प्लस जेड, रीडू कंट्रोल प्लस वाई, बोल्ड लिखने का जो स्टाइल है अगर बोल्ड में है कंट्रोल प्लस बी, चेंज केस अगर लोअर केस में हमने लिखा है गलती से, अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम जो है कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं चेंज केस, अगर कैपिटल में लिखा है उसको हम चाहते हैं कि स्मॉल अल्फाबेट्स में सारा चेंज हो जाए, पूरी फाइल जो है जितना भी हमने मान लो 5 या 6 पेजेस लिखे हैं लेकिन हमने गलती से जो है तमाम जो है कैपिटल्स में लिखा, अगर हम चाहते हैं कि उसको जो हम स्मॉल में करें तो उसके लिए जो है एक तो पहले हमने उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, चेंज केस के लिए जो है ना शिफ्ट प्लस F3 हमने दबाना है, चेंज केस शिफ्ट F3। देन इटैलिसाइज, ये जो है राइटिंग की टेक्निक है, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा इसमें लिखा जाता है कंट्रोल प्लस I, अगर किसी भी राइटिंग को हमने अंडरलाइन करना हो कंट्रोल प्लस U, क्लोज फाइल कंट्रोल प्लस F4, सेव एज का भी ऑप्शन रहता है F12, और एग्जिट अगर एक्सेल जो 97 वाला वर्जन है अगर उससे हमने एग्जिट करना हो तो Alt प्लस F4। ये कुछ शॉर्ट कीज थी, इनको आपने ज़रूर याद करना है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। मूव टू नेक्स्ट स्टेप, एक्सेल में जो है मान लो ये जो है अलग अलग सेल्स हैं, एक सेल से अगर हमने दूसरे सेल में जाना हो तो टैब का बटन इस्तेमाल किया जाता है। मूव टू प्रीवियस सेल, अगर अगले से हमने पिछले सेल में वापस आना है शिफ्ट प्लस टैब, डिलीट वन करेक्टर टू राइट, अगर मान लो हमने यहाँ कुछ लिखा है तो अगर ये चीज़ मान लो इस जगह हमारा कर्सर है और यहाँ हमने लिखा है, अगर इस चीज़ को हमने राइट साइड वाले को अगर हमने डिलीट करना है तो हमारे कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन रहता है, तो इससे जो है राइट वाला पोर्शन डिलीट होता है, और अगर लेफ्ट वाला डिलीट करना हो तो वो बैक स्पेस से होता है, यानी डिलीट वन करेक्टर टू राइट ये डिलीट से होता है, और अगर लेफ्ट साइड में कोई चीज़ हमने डिलीट करनी हो तो वो जो है होता है बैक स्पेस से। कैंसल सेल एंट्री, तो अगर हमने किसी भी सेल एंट्री को जो है किसी को कैंसिल करना हो तो वो एस्केप उसके लिए हमें बटन दबाना है। अब हम देखते हैं मॉडर्म क्या होता है। मॉडर्म शार्प
शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेट या डिमॉड्यूलेट, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिमॉड्यूलेशन मॉडम क्या है, ये डिमॉड्यूलेट या मॉड्यूलेट है। द मॉडम सेंड्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर अक्रॉस द टेलीफोन सिस्टम, ये जो है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो टेलीफोन के जरिए से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाई जाती है, इन्फॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन सिस्टम, इसको बोलते हैं मॉडम। वायरसेस, वायरस का पता है, ये हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स में भी अक्सर वायरसेस पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है। इट हार्म द कंप्यूटर इन वेरियस वेज। टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर वेरियस एंटीवायरसेस आर देयर इन द मार्केट, बहुत सारे एंटीवायरस पाए जाते हैं इस वायरस को ख़त्म करने के लिए। तो वायरसेस जो हैं, खासकर जो वायरस है टॉर्जन हॉर्स, ये किस्म का वायरस है जो अक्सर कंप्यूटर में हार्म करता है। और अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए बहुत सारे एंटीवायरसेस होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको हम खरीद सकते हैं और अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं। तो इसमें जो खास अवस्ट ये एंटीवायरस है AVGA, लावा सॉफ्ट एड अवेयर फ्री, देन ई स्कैन एंटीवायरस, देन ट्रेंड माइक्रो हाउस सेल, देन मालवेयर बाइट, पेंडा, जोन अलार्म, ये तमाम जो है ये हैं एंटीवायरसेस। इनको हमने एक दो बार याद रखना है कि ये कौन कौन से एंटीवायरसेस हैं, क्योंकि अक्सर जो है पूछा जाता है कभी कभी कि ये जो है कौन कौन से वायरसेस, कभी पूछा जाएगा आपको, दो चार चीज़ें दिए होंगी उनमें से एक एंटीवायरस भी होगा, आपको पूछा जाएगा कि इसमें से जो एंटीवायरस कौन सा है। तो ये जो एंटीवायरस हैं इनको हमने दो चार बार इनको थोड़ा सा नज़र मारना कि हमारे जो है मार्केट में जो मोस्ट फेमस एंटीवायरस है वो कौन कौन से हैं। तो आप जो है गूगल सर्च करके जो है और भी बहुत सारे वायरस में एंटीवायरस पाए जाते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ एक आइडिया दिया है कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आइडिया जो है, बाकी जो आपके पास मोबाइल पड़े हुए एंड्रॉयड पड़े हुए तो आप जो है मज़ीद कुछ और एंटीवायरस जो है गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अब जो है हमारे जो कंप्यूटर हैं इनकी जो अलग अलग जनरेशन हैं। आज जो हमारा जो कंप्यूटर है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आज पाया जाता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन, जब फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर यहाँ आया था, ये फर्स्ट जनरेशन उनको कंप्यूटर बोला जाता है। तो वो कौन सा कंप्यूटर, वो कब आया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो कब थी, 1940 से 1956, और वो जो थे वैक्यूम ट्यूब्स उस वक्त पाए जाते थे। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन जो या सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो कौन से ईयर्स में पाए जाते थे। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे 1956 से 1963, और ये जो आया था कौन सा, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 के दरमियान में आए, और ये जो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। देन फोर्थ जनरेशन जनरेशन 1972 से 2010 माइक्रो प्रोसेसर, और आज जो है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है ये 2010 ऑनवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है हमारे फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इनको हमने याद रखना है। देन इंटरनेट है, इंटरनेट के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ में इंटरनेट कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय नेटवर्क, तो दुनिया के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को नेटवर्क के जरिए से कनेक्ट करना, उसको इंटरनेट कहते हैं। देन ब्राउजर, ए प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू गेट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर जब हमने इंटरनेट खोलना हो तो उसका जो सबसे पहले जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ब्राउजर। वट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज ब्राउजर, सबसे जो मोस्ट कॉमन ब्राउजर वो कौन से हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो मोस्ट कॉमन यूज है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। देन ओपरा मिनी है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, यूसी ब्राउजर, डॉल्फिन ब्राउजर, ये सारे जो हैं ब्राउजर्स हैं। इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से ब्राउजर कौन है या ब्राउजर कौन नहीं है, तो ये कुछ ब्राउजर्स हैं, ये हमको याद रखने हैं। देन वायरलेस जनरेशन, ये जो अभी तक जो हमारे इंटरनेट में यूज़ होता है 1G, 2G, 3G, 4G, ये हम देखते हैं ये कब कब लॉन्च हुए वायरलेस जनरेशन जो हमारे मोबाइल में यूज़ होता है। 1G ये लॉन्च हुआ था 1979 में, देन 2G 1990 में, 3G लॉन्च हुआ था मिड 2000 में, और ये जो हमारा 4G है ये अप्रैल 2012 में लॉन्च हुआ था, और ये लॉन्च किया था एयरटेल ने, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं CD-ROM ये क्या है। CD-ROM इज़ ए सेकेंडरी मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कुछ टर्म्स हैं इनको हमने याद रखना है। देन कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन क्लॉक साइकिल, व्हेन वी डिलीट द फाइल
जब कोई भी कंप्यूटर के अंदर जब हम फाइल को डिलीट करते हैं, हमारे मोबाइल में अगर हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं वो फ़ौरन जो है डिलीट हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं रहता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो फ़ौरन जो है बिल्कुल डिलीट नहीं हो जाती, वो वहाँ से जो है रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। जैसे हमारे घरों में डस्टबिन होता है, कोई भी गंद उठा के हम सीधा डायरेक्ट बाहर जो है नहीं फेंकते, बल्कि हम घर में जो है उसको पहले डस्टबिन में रखते हैं, बाद में जो डस्टबिन से जो है बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी सिस्टम रहता है, यहाँ जो है रिसाइकल बिन रहता है कंप्यूटर में। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं, कोई भी पेज डिलीट करते हैं, वो फ़ौरन जो सकता है रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन में जो फिर एक दो दिन के बाद जब हमें कहीं ख्याल आता है उस वक्त जो हम अगर हमें कभी कभी क्या होता है कि कभी हमें याद आ जाता है कि मैंने बहुत गलती की, मुझे ये फाइल डिलीट नहीं करनी चाहिए, तो हम जो है रिसाइकल बिन से उसको जो है वापस भी ला सकते हैं, या अगर हमने उसको परमानेंटली डिलीट करना हो तो बाद में जो हम रिसाइकल बिन को खाली भी कर सकते हैं। लेकिन जब रिसाइकल बिन से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है वो फिर वापस नहीं आती है। तो व्हेन वी डिलीट द फाइल गोज टू द रिसाइकल बिन। डिस्क इज आल्सो सेकेंडरी मेमोरी, ये आपको याद रखना है। इन कंप्यूटर डाटा डाटा स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में कोई भी डाटा स्टोर होता है, ये याद रखना है। प्रोरोम इज यूज एज ए प्राइमरी स्टोरेज, रैम इज रेड राइट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये, एक्चुअली इसकी जो फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन ये रीड राइट मेमोरी है, इसमें हम लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, इसमें थोड़ा सा धोखा नहीं खाना है, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन ये रीड राइट है, मतलब हम लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं। देन पेंटियम इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर, द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाई चार्लेस बैबेज वाज एनालिटिक इंजन, जो हमें पता है कंप्यूटर किसने ईजाद किया, चार्लेस बैबेज, लेकिन उसने जो है वो कौन सा कंप्यूटर ईजाद किया था, दैट वाज एनालिटिक इंजन, ये आपको याद रखना है। वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा चार्लेस बैबेज, क्योंकि उनको पता है कि चार्लेस बैबेज सबको आता है, वहाँ पूछेंगे कंप्यूटर जो इन्वेंशन की थी चार्लेस बैबेज ने वो कौन सी कंप्यूटर की थी, तो दैट वाज एनालिटिक इंजन। द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ई कॉमर्स, हम जो कंप्यूटर के जरिए से मोबाइल के जरिए से जो खरीदो फरोख्त कहते हैं उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। असेंबली लैंग्वेज इज एलो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन कुछ हम जो है फुल फॉर्म्स देखते हैं, अक्सर फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। BIOS, BIOS का क्या मीनिंग है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें जो बहुत सारी इसमें ये फुल फॉर्म्स थी, लेकिन मैंने जो है बिल्कुल खास खास जो है जो एग्जाम पॉइंट है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट उनको मैंने यहाँ लिखा है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, प्रोरोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, PSU पावर सप्लाई यूनिट, देन RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ऑनली मेमोरी, SMS जो हम लिखते हैं SMS के थ्रू भेजते हैं तो वो शॉर्ट मैसेज सर्विस, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। देन USB जो हम लीड इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में उसको बोलते हैं USB लीड, मोबाइल्स में भी जो यूज़ होती है लीड उसको बोलते हैं USB लीड, तो उसका मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक और चीज़ मुझे यहाँ याद आई, ये जो USB जो लीड होती है जो कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे से सुराख रहते हैं जिनके अंदर जो है हम अपने लीड्स को घुसाते हैं, इन सुराखों को जो बोलते हैं, ये जो सुराख रहते हैं कंप्यूटर के अंदर इनको बोलते हैं पोर्ट, ये आपको याद रखना है। जो सॉकेट वगैरह होते हैं कंप्यूटर के अंदर उनको बोलते हैं पोर्ट, जो सुराख वगैरह होते हैं जिनके अंदर हम अपनी लीड USB लीड हो गई या कंप्यूटर के दूसरे लीड्स जिनके अंदर हम फिट करते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट। देन VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। देन कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये याद रखना। सो इट वाज ऑल अबाउट द कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैंने जो है पूरी कोशिश की है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने तमाम डिस्कस करने की कोशिश की है, तो बाकी हो सकता है और भी कुछ चीज़ें रही हूँ, आगे मैं और भी देखूंगा, एक दो महीने में और सर्च करूंगा, अगर और भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी तो देन वो जो है मैं लास्ट पे जो है आपको एज ए क्विक रिविजन के तौर पर उनको मैं आपके लिए लाऊंगा। फिलहाल मैंने कोशिश की है कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट को मैंने यहाँ डिस्कस किया। होप आपको जो है ये पसंद आएगा लेक्चर, आप इसमें कमेंट करें, लाइक करें कि आपको ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी आपको कैसी लगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको रही हो, कहीं कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।